जींद में महिला सुरक्षा को लेकर शानदार पहल हुई है। यहाँ एक संस्था की तरफ से बेटियों को एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं। पेन, पर्स और मोबाइल के जरिए सड़क छाप मजनुओं को सबक सिखाने की इस ट्रेनिंग में बेटियां बढ़ चढ़ कर शामिल हो रही हैं। बीच सड़क कोई बदतमीजी करे तो यूं करे वार, बाल पकड़ के फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भीड़ में कोई छेड़े तो ऐसे दे जवाब। अब पर्स और पेन बनेंगे लड़कियों के हथियार। आशिक मिजाजो की खैर नहीं। आप क्या करेंगे? आपने देखा कि ये और एनएसजी कमांडो से हमले का हुनर सीखती बेटियां जो रहता है वो फेस पर कर सकते हैं। एनएसजी का ये ब्लैक कैट कमांडो बेटियों को हमले के हुनर की सीख दे रहा है। हमला सड़क छाप मजनुओं के खिलाफ, हमला आशिक मिजाज शोहदों के खिलाफ, हमला हवस के दरिंदों के खिलाफ। आप पीछे से बाल पकड़ के फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा देखिए देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला ये ब्लैक कैट कमांडो किस मुस्तैदी के साथ बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने में मशगूल है। कमांडो मंच पर दाव पेंच के जरिए हमलावर को चित करने का हुनर दिखा रहा है। पर्स, पेन, परफ्यूम और मोबाइल को हथियार बनाकर हमलावरों के होश ठिकाने लगाने की ट्रेनिंग दे रहा है। छोटे बच्चे हैं, वो भी यौन अपराध का शिकार हो रहे हैं। ऐसे हालात में ये जरूरी हो जाता है कि सिचुएशनल अवेयरनेस बच्चों में पैदा की जाए ताकि अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध का वो माकूल जवाब दे सके। बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का ये आयोजन जींद की सामाजिक संस्था महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन की तरफ से आयोजित किया गया। इसका मकसद आधी आबादी को किसी भी हादसे के वक्त तैयार रहने की सीख देना था। यहाँ पर हमारे ट्रेनर जो है लड़कियों को ये बताएंगे कि वो किस प्रकार से जो अपने पास जो चीजें हैं उनको वेपन के तौर पर इस्तेमाल करके अपराधियों को माकूल जवाब दे सकते हैं। जींद में शुरू किए गए इस अभियान को मिशन रक्षक लड़ाई सम्मान का नाम दिया गया है। जींद के बाद सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग हरियाणा के कई दूसरे शहरों में भी आयोजित की जाएगी। जींद में एनएसजी कमांडो से ट्रेनिंग को लेकर लड़कियों में जबरदस्त जोश देखा गया। सीखा कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। सीख मिली है कि जैसे कि महिला के पास पर्स होता है, पर्स में हमारे पेन, मोबाइल, कोई हमें छेड़ता है या कुछ भी रहता है तो हम अपने पेन का यूज करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग की ये कवायद काबिले तारीफ है। इसे वक्त की जरूरत कहा जाए या फिर मौके की नजाकत, लड़कियों के खिलाफ जो माहौल देश में है ऐसे में हर लड़की को दुर्गा और रानी झांसी जैसा बनकर ही गुजारा करना होगा। जींद से सोमनाथ गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। बैग से आपको ग्रिप किया जाता है और आपके पास मोबाइल है क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है।